आने वाले हजरात, आने वाले मेहमान वो तरतीब से बैठते जाएं। इंशाल्लाह फौरन प्रोग्राम शुरू होने लगा है बगैर किसी तौकफ के। सब अहबाब अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए आगे आगे चलें, आगे आगे जगह को खुद जो है वो देख कर पूरी कर लें। हमारी खुशनसीबी है कि इस वक्त हमारे दरमियान आलमी तहरीक खत्मे नबूवत के अमीर हजरत मौलाना मंजूर अहमद चनौटी रहमतुल्लाह के फरजंद अजमन हजरत अल्लामा मौलाना इलियास चनौटी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। स्टेज पर वो आपके सामने तशरीफ फरमा हैं। मैं दावत दूंगा मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद बिन कासमी साहब को कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। कासमी साहब का मुख्तसर तारुफ मैं करवाता चलूँ कि PhD हैं इनकारे हदीस पे, और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो भी तालिब इल्म PhD करना चाहता है फितना इनकारे हदीस पे तो वो इनसे मौजू सेलेक्ट करवाते हैं। अब मैं दावत दूंगा फेथ एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन मोहतरम मोहम्मद बिन अशरफ भाई को कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया जा सके। मोहतरम मोहम्मद बिन अशरफ भाई, मोहतरम हजरात, मौसम चूंकि थोड़ा सख्त है तो आप जो है वो तवज्जो से सुने। ये मैं मोहतरम की कुर्बानी समझूंगा कि इतनी मसरूफियत में से उन्होंने हमें वक्त दिया है तो हमारी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि इंतहाई मोहब्बत से और जो है वो सुकून से हम जो है वो लेक्चर सुने। अल्लाह ताला आपकी इस जो है वो बर्दाश्त को और तकलीफ को कबूल फरमाए। मैं दावत दूंगा तिलावत के कलाम में बात करिए हाफिज अबू बकर को कि वहाँ आए और मुख्तसर तिलावत हमें। بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا
الصبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما हमारे दिलों को गरमा रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ मोहतरम मुदस्सर भाई को तशरीफ लाए और मुख्तसर जो है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुना। पर नाते पाक का नरमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नरमा से मेरा रिश्ता मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज है और किसी जानिब क्यों जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखें अपना सब कुछ गुंबद कजरा कल भी था और आज है और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम उन पर मर मिटने का जज्बा उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। भाई
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہے تھے اور میں بغیر توقف کے امیر تحریک ختم نبوت کے چیئرمین محترم علی اسروڈی صاحب کو دعوت دوں گا وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر خطاب فرمائیں. محترم علی اسروڈی صاحب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم أجر مثل أجر أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم جناب امیر صاحب, محترم جناب پروفیسر صاحب اور فیصل آباد کے غیور باشعور پڑھے لکھوئے مسلمان بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, جوانوں, السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت منظم اور بہترین پروگرام ہے. جیسا کہ میں نے مغرب کی نماز سے پہلے سنا, ہفتہ وار اور ماہوار جو یہاں درس قرآن کا سلسلہ ہے اور یہ جو جماعت بنائی گئی ہے جو اس کا منشور ہے بہت ہی بہترین ہے. میری دعا ہے کہ ہمارے یہ جو نوجوان ساتھی اپنا تن من دھن دین کی اشاعت اور اسلام کی سربلندی اتحاد امت کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اور اپنا تن من دھن قربان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. آج کا موضوع جیسے بتایا گیا کہ فتنہ قادیانیت کی پیدائش, ان کے اغراض و مقاصد, اور آج قادیانی گروہ جو امت مسلمہ کے درمیان انتشار اور افتراق پیدا کر رہا ہے اسے بیان کیا جائے. نیز اس اعتبار سے اور منکرین ختم نبوت کے راستے کو روکنے کے لیے
उम्मत मुहम्मदिया की जो जिम्मेदारियां बनती हैं, उन पर रोशनी डाली जाए। 40 मिनट हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर अंदाज में अपना मकसद बयान करने की कोशिश करूंगा। 1400 साल से उम्मत मुसलमा का ये अकीदा चला आ रहा है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, खातिमुल अंबिया हैं और आपके ऊपर नबूवत का सिलसिला खत्म है। कुरान मजीद की 100 आयात और 200 अहादीस वो इस मसले को बड़ी वजाहत के साथ बयान करती हैं। इसलिए इन आयात और अहादीस की रोशनी में उम्मत मुसलमा का ये मुतफक अलैह अकीदा है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह ताला के सच्चे और आखिरी रसूल हैं और आपके बाद किसी किस्म की कोई नबूवत या वो जारी नहीं हो। बड़ी सारी अहादीस हैं, एक हदीस शरीफ बड़ी मशहूर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद और तंबीह के साथ फरमाया, अला खबरदार सुन लो, इन रिसालत व नबुवत कदीम कता, कि रिसालत और नबुवत अब बंद हो चुकी, खत्म हो गई। फला रसूल अबादी वला नबिया, अब मेरे बाद न किसी किस्म का कोई रसूल होगा और न किसी किस्म का कोई नबी होगा। लिहाजा खुलाफाए राशिदीन, अइम्मा महदी और सलफ सालेहीन, ताबेईन, तबा ताबेईन, आज के रोज तक 1400 साल से यही अकीदा चला रहा है। लेकिन इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशगोई फरमाई जो मैंने पहले हदीस शरीफ पढ़ी है। आपने एक पेशगोई फरमाई और उसमें फरमाया कि मेरी उम्मत में से अनकरीब 30 बड़े बड़े दज्जाल और कज्जाब पैदा होंगे, उनमें से हर एक शख्स ये दावा करेगा कि वो नबी, लेकिन फरमाया आना खातमुन नबीयीन, मैं ही आखिरी नबी हूं, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। यहां एक लम्हा फिक्रिया है, बल्कि एक सवाल का जवाब कह लीजिए कि आज का जो फितना कादियानियत है, जो दर हकीकत इनकार खत्म नबूवत का फितना है, वो आम लोगों को अपनी तरफ मायल करने और अपने आप को मुसलमान जाहिर करने के लिए ये निशानियां बताता है कि देखो हम किबले की तरफ मुंह करके नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोजे भी रखते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं, हमारी शक्ल भी मुसलमानों वाली है, दाढ़ी भी है, पगड़ियां भी हैं, मगर इसके बावजूद तुम्हारे उलमा हमें काफिर कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस शरीफ है वो ये बताती है कि इस उम्मत में से कुछ ऐसे लोग होंगे, यानी वो इस उम्मत मुहम्मदिया का नाम लेवा होंगे, उम्मत मुहम्मदिया का लेबल उन्होंने अपने ऊपर चढ़ाया होगा, मगर इसके बावजूद वो कज़्ज़ाब और झूठे होंगे, दज्जाल होंगे, वो कज़्ज़ाब पैदा होंगे, वो पूरी हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी अय्याम में ही मुसैलमा कज़्ज़ाब, अस्वद अंसी, तुलैहा, सजा नामी एक औरत, उन्होंने नबूवत के दावे कर डाले और वो भी सारे के सारे लोग बज़ाहिर
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला कलमा पढ़ते थे, यही कुरान नहीं पढ़ते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। अगर से मुसैलमा कज़्ज़ाब ने वो सजा नामी औरत के साथ निकाह करते हुए उसके हक महर ने दो नमाजें माफ कर दी थी, लेकिन बुनियादी तौर पर वो भी पांच नमाजों का कायल था, तो अब उम्मत मुहम्मदिया वाली सारी निशानियां तो उसमें मौजूद थी। इसलिए आप ने बड़ी तब्दील फरमाई है कि वो लोग मेरी उम्मत में से होंगे मगर वो भी झूठे, नाम उम्मत मुहम्मदिया का लेंगे, होंगे वो झूठे और वो दावा ये करेंगे कि अल्लाह के नबी। तो अब मसला ये हुआ कि चूंकि आपने पेशगोई फरमा दी कि ऐसा होगा कि वो होंगे झूठे मगर नबूवत का दावा करेंगे, तो अल्लाह ने इस पेशगोई को सच्चा करने के लिए ऐसे लोग भेजे जिन्हें दावा कर डाला। उनका दावा कर देना कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होना था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशगोई फरमाया चुके थे। मगर हर एक जो मुद्दई था उसके पीछे मुख्तलिफ किस्म के अगराज मकासद थे। अब क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है, 40 बजे 10 मिनट तो लगे, बाकी 30 मिनट रह गए, हम सिर्फ जो मौजूदा फितने का दयानियत है, ये इनकार खत्म नबूवत का फितना है, हम उसकी तरफ आते हैं कि ये फितना कैसे महाराजे वजूद में आया। आप लोग जो इंडो पाक की तारीख पढ़ते हैं, आपके इल्म में है कि 18वीं सदी में ही बर्तानिया का अंग्रेज इंडिया में आया था, उस वक्त ताजर बन चलते चलते बहरहाल उसने हुकूमत की ठान ली और एक बहुत बड़ा हमला उसने किया 1857 में, जो एक मरतबा तो पसपा हो गया। उस हमला के पसपा होने के बाद जब मुसलमानों ने देखा कि ये ईसाई हैं, गैर मुस्लिम हैं, बदेशी हैं, बाहर से आए हैं और हमारे इस वतन पर कब्जा कर रहे हैं, तो मुसलमानों ने उनके खिलाफ गोरिल्ला जंग का प्रोग्राम बनाया। जब अंग्रेज के पांव ना टिके तो 1869 में अंग्रेजों ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई अपने संजीदा लोगों, और इसकी तफसीलात आपको मिलेगी, एक किताब आई है 2004 में तहरीक अहमदियत, उसका नाम है नैब, जो एक इदारा बना था उसके डायरेक्टर हैं, अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली, वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड की लाइब्रेरी को छाना, उससे बहुत सारे खुफिया राज जो है वो आश्कारा हुए। तो उससे पता चला कि अंग्रेज ने 1869 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये एक मसला सामने रखा कि हम हिंदुस्तान में आकर बड़ी मेहनत कोशिश कर रहे हैं, इनकी इंडियन लोगों की हर तरह की खिदमत सर अंजाम देते हैं, मगर इसके बावजूद इंडिया के लोग हमारे जेर तसल्लुत नहीं हो रहे, हमारी इताअत को कबूल नहीं कर रहे, बल्कि हमें मारते हैं, शर्मखून करते हैं, गुरीला जिन्हें करते हैं, कोई ऐसी तदबीर की जाए और इसकी वजह बताई जाए कि आखिर ये गुरीला जंगे हमारे खिलाफ क्यों। आज भी सूरत हाल यही है तकरीबन अफगानिस्तान में, इराक और इसी तरीके से कश्मीर, जो भी हासिल होगा उसका यही अंजाम होगा बाहर इंशाअल्लाह। चनाचे एक साल की मोहलत दी गई यहाँ जो पादरी थे गुजरांवाला के, सियालकोट के, लाहौर के, या जो उन्होंने अपने गुमान पे छोड़े हुए थे, एक साल बाद उन 1870 में इंग्लैंड में एक कॉन्फ्रेंस, ये जो लोग सारे इंडो पाक उस जमाने में मुतहदा हिंदुस्तान था, ये लोग वहां गए, इन्होंने अपने अपने तजजिये पेश किए। खुलासा उसका ये था कि आप लोग चूंकि बाहर से आए हैं, भी गैर मुस्लिम,
तो यहाँ के इंदो पाक के जो मशाइख हैं, पीरान तरीकत हैं, उनके जो बुजुर्ग हैं, उलमा हैं, वो अपने मुरीदीन को, अपने मुतालिकीन को जब ये बताते हैं कि ये काफिर लोग हैं, फासिर हैं और हमारे मुल्क पर कब्जा कर गए हैं, इनके खिलाफ जिहाद करना फर्ज हो चुका है, तो फिर वो कुछ नहीं देखते और तुम्हारा तिया पांचा कर देते हैं। लिहाजा अब इसका हल ये है कि कोई ऐसा आदमी तलाश करो जो मुसलमानों की जिनों से जिहाद का जज्बा सर्द कर दे, खत्म कर। जब जिहाद वाला जज्बा खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे खिलाफ कोई बंदूक गोली कमान कोई नहीं उठाएगा, तुम्हारी हुकूमत को सुकून मिल जाएगा। अब मसला ये था कि जिहाद ऐसा फरीजा है जिसके मुताबिक सैकड़ों कुरान पाक की आयात मौजूद है। या अय्युहन नबी हर्रिज़ अल-मुमिनीन अला अल-क़िताल, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनीन को जिहाद के लिए उभारो। ज़रबा आपने फरमाया ज़रबा तो सिनाम अल जिहाद के इस उम्मत की बुलंदी और चोटी जो है वो जिहाद, और आपने फरमाया अल जिहाद माज़ इला यौम अल क़यामा कि जिहाद तो क़यामत तक जारी रहेगा। अब जब तक जिहाद है उस वक्त तक फिर किसी काफिर के पांव तो यहां टिकते नहीं है। अब मसला ये था कि जिहाद चूंकि एक इस्लामी कुरानी फरीजा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिहाद की अहमियत बयान करते हुए खुद फरमाया कि मेरा इतना जी चाहता है अल्लाह के जिहाद के बारे में कि मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ूं, लड़ता लड़ता शहीद हो जाऊं, सुम्मो उहया फिर जिंदा कर दिया जाऊं, सुम्मो उत्तर सुम्मो उहया सुम्मो उत्तर। इतना आपने फरमाया कि आप ये बोलते बोलते आपके सांस तक गई, टूट गई। इतना आपने जज्बा बताया, जिहाद की अहमियत बयान फरमाई। तो जिहाद एक ऐसा अमल था जो कुरान और हदीस से साबित था और इस्लामी फराइज में से एक फरीजा था। अब शरी मसला यह है कि ऐसी चीज जो कुरान और हदीस से साबित हो चुकी हो उसको कोई नया नबी आए, नई शरीयत आए, वो ही उसको तब्दील कर सकती है, उसने तगय्युर तबदल कर सकती है। लिहाजा अब जिहाद को मंसूब करने के लिए मंसूबा ये बनाया गया कि एक शख्स ऐसा तलाश किया जाए जो कि नबूवत का दावा कर जाए, और चूंकि कुरान और हदीस से ये बात मालूम होती है और एक अटल हकीकत है, इस पर भी 1400 साल से मुसलमानों का मुतफक अकीदा चला आ रहा है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सच्चे बंदे रसूल हैं और आसमानों पर जिंदा मौजूद हैं और कयामत के करीब वो दोबारा तशरीफ लाएंगे। चूंकि एक नबी की आमद की पेशगोईयां कुरान मजीद में मौजूद थी, तो अब अंग्रेज ने सोचा कि कोई ऐसा आदमी तलाश किया जाए जो ईसा इब्ने मरियम होने का दावा करे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अपनी नबूवत पर वो कायल करेगा, जब लोग उसकी नबूवत के कायल हो जाएंगे तो फिर हम उससे हुर्मत जिहाद का ऐलान करवा देंगे। इस पसे मंजर ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को तलाश किया। उसकी अपनी किताब है, उसका नाम है किताबुल बरिया। उनका जो रूहानी खजाने का सेट है बनाया है 23 जिल्दों का, उसकी जिल्द नंबर 13 है, उसके शुरू हिस्सा सफा 5 से लेकर 7-8-9 सफे तक मिर्जा कादियानी अपने अपने बड़े भाई और अपने वालिद के ताल्लुकात अंग्रेज दौर में ड्यूटी बरतानिया की हिंदुस्तान में उनके साथ जो उनके ताल्लुकात थे, कुर्बानियां थी, उनको वो जितलाता है और उसमें वो बताता है कि मैं 1857 की जो जंग है
हम उसको क्या कहते हैं, जंग आजादी ये कहते हैं। मिर्जा कादियानी ने अपने उस किताब किताबुल बरिया में लिखा है खदर, जब मुसलमानों ने खदर किया तो ऐन खदर के जमाने में मेरे वालिद ने 50 सवार और 50 घोड़े अंग्रेज की फौज में पहुंचाए, बरतानवी फौज को दिए। किस काम के लिए? मुसलमानों के खिलाफ। आपने भाई के बारे में यही बात बताई, फिर आपने बारे में बताता है कि मैंने अंग्रेज की इताअत पर कायम करने के लिए मुसलमानों को और उनके ज़हनों से जज्बा जिहाद को निकालने के लिए बराबर 17 साल मेहनत और कोशिश की है। चुनांचे उसका शेर है, छोड़ दो ऐ दोस्तों जिहाद का ख्याल, दुश्मन है खुदा का जो करता है जंग व जिदाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको फरीदा कराते तो कयामत तक उसको जारी रहने का इंडिया सुनाए और वो ये कहे कि वो खुदा और रसूल का दुश्मन है। चिनाचे वो जो अंग्रेज का मुतालबा था कि जिहाद की हुरमत बयान की जाए, तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने उस हाजत को पूरा करने के लिए पहले मसीह इब्ने मरियम होने का दावा किया। चुनाचे उनकी किताब है तज़किरा, जिसको कहते हैं वही मुकद्दस, उसके अंदर पूरी वजाहत के साथ कहता है अल्लाह ने मुझे वही किया है, इन्ना जअलना कल मसीह इब्न मरियम, कि ऐ मिर्ज़ा हमने तुम्हें मसीह इब्न मरियम बना दिया। जब वो मसीह इब्न मरियम अपने जाम के मुताबिक बन गया तो उसने फिर जिहाद की हुरमत का ऐलान कर दिया। सिर्फ जुबानी ऐलान नहीं किया, फिर वो ये बताता है कि मैंने ये जिहाद की हुरमत वाला जो मसला था और अंग्रेज की जो ताबेदारी का मसला था, इसके ऊपर तकरीबन उसने 24 किताबें गिनवाई हैं कि फलां किताब फलां किताब फलां किताब, वो मैंने जिहाद की हुरमत के लिए और अंग्रेज हुकूमत की ताबेदारी के हक में वो मैंने 24 किताबें लिखी हैं। फिर कहते हैं मैंने बहुत सारे इश्तिहार पाए, उनकी अरबी फारसी और वो अंग्रेज जुबानों में तर्जमा करवा के मैंने पूरी दुनिया में उसको सर्कुलेट किया और उनको मुतनब्बे किया, और पूरी दुनिया में पहुंचने का उसका जरिया क्या बन गया, क्योंकि अंग्रेज ने अपनी जरूरत के लिए उसको पैदा किया था कोई हुरमत जिहाद के लिए, और उस जमाने में बरतानिया की हुकूमत यानी बरतानिया से लेकर फलस्तीन तक उसकी हुकूमत। मैं अभी हमारे यहाँ वो कोर्स जो हो रहा है वहां भी मैंने अपने साथ एक बताया है, एक टीम का जलालुद्दीन शम्मस है, वो 1920 में फलस्तीन में पहुंचा है इस मजहब की तबलीग करने। 1999 में हसन महमूद औदा जो लंदन वेमले हाल में हजरत वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर मुसलमान हुआ था बैत की थी, उसने कहा कि मैं कादियानी, मेरा बाप कादियानी, मेरा दादा कादियानी, तीन पुश्ते वो कादियानी हुई है और वो 1920 में वो लोग वहां पहुंचे हैं। तो इसमें उसका अपना साथी कोई कमाल नहीं है, क्योंकि अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा था, उसकी अपनी जरूरत थी। चुनांचे पूरी दुनिया में जहां जहां बरतानिया की हुकूमत थी, वो जो वही जो प्रोग्राम जो पैगाम घटता था वो बरतानवी हुकूमत उसको पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर देती। तो ये है फितने कादियानियत का पस मंजर कि ये क्यों वजूद में आया। अब ये है कि फितने कादियानियत है क्या, या उस वक्त तो उनका एक खास मकसद था यानी अंग्रेज की ताबेदारी पर लोगों को मजबूर करना, मगर अब यह है कि हमारे और कादियानियों के दरमियान तीन मोटे मोटे इख्तलाफ ये हमारे ज़हन में रहने चाहिए। पर सबसे पहला मसला यह है, जैसे मैंने शुरू में याद किया कि मुसलमानों का 1400 साल से अकीदा चला आ रहा है, जिस पर अब हमारी 1974 की कौमी असेंबली ने फैसला दे दिया, फिर छोटे अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और मुसलमान अदालतों से लेकर साउथ अफ्रीका की ईसाई अदालतों तक
ने फैसला दे लिया कि ये कादियानी गैर मुस्लिम हैं, इनके हमारे अकायद का क्या बुनियादी इख्तलाफात, तुम्हारे और इनके तीन बड़े बड़े इख्तलाफात, हमारा अकीदा ये है मुसलमानों का कि आमना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे और आखिरी रसूल। इसके मुकाबले मैंने आपको दो हदीसें भी सुना दी, इसके मुकाबले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वो लिखता है कि मैं ऐसी शरीयत को लानती शरीयत समझता हूं जिसने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। यानी यूं कहो हम खत्मे नबूवत के कायल हैं और वो इजराए नबूवत के कायल हैं। यानी वो कहते हैं कि नबूवत का सिलसिला जारी है और एक शख्स इताअत रियाजत इबादत करते करते वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम से बल्कि आपसे भी ऊपर जो है वो पहुंच सकते हैं। एक इख्तलाफ। दूसरा इख्तलाफ वो ये है और उसके ऊपर मुसलमानों के साथ तो इंजील के चारों नुस्खे भी मुत्तफिक, और वो ये है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। यहूदी उनको कत्ल करना चाहते थे जैसे सूरत निसा में बयान हुआ, मगर यहूदी उन्हें कत्ल न कर सके, अल्लाह ताला ने उन्हें आसमानों पर जिंदा उठा लिया और कयामत के करीब वो दमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरकी मीनार पर दोबारा तशरीफ लाएंगे। हजरत इमाम मादी रहमतुल्लाह अलैह और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों की फौज को साथ लेकर उस दज्जाल जो यहूदी नस्ल होगा, यहूद उसकी सपोर्ट कर रहे होंगे, पूरी दुनिया के यहूदी वो उसकी सपोर्ट कर रहे होंगे, तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मादी ये दोनों हजरात फौज की कमान करेंगे और उनके साथ वो यहूदियों के साथ वो जंग होगी और वो दज्जाल जो है बाब लुद के करीब जो है वो कत्ल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे कसम उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, लयूशिकन्ना बहुत करीब है के उतरे तुम में इब्ने मरियम यानी ईसा अलैहिस्सलाम हाकामन आदालन आदिल बादशाह बनकर उतरे। उधर आगे उनकी चार निशानियां बताई, फरमाया फयक्सुरु सलीब, वो सलीब को तोड़ेंगे, वो यक्तुलुल खिंजीर, खिंजीर को वो कतल करेंगे, वो यदअल जिज़्यता और टैक्स के निजाम को खत्म करेंगे, वह यफीज़ुल माल, और ईसा अलैहिस्सलाम के उस आखिर जमाने में माल की कोताद हो जाएगी, हत्ता ला यक्बलहु अहद, यहाँ तक कि कोई उस माल को कबूल करने वाला सदका ज़कात वसूल करने वाला ना होगा। और फरमाया कि उस वक्त क्या होगा कि एक सजदा अल्लाह की राह में कर लेना दुनिया में माफिया से बेहतर समझा जाएगा। ये निशानियां आपने बयान फरमाई हैं, ये एक मुस्तकिल मौसू है तकरीर का। तो ये मुसलमानों का अकीदा है, जबकि इसके मुकाबले मिर्जा कादियानी ये कहता है कि यहूदियों ने जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी सूली देने की कोशिश की तो वो सूली देकर छोड़कर चले गए, उन्होंने समझा कि फौत हो गए हैं, लेकिन ईसा अभी फौत नहीं होते, वहां से नऊज बिल्ला वो भाग कर मकबूजा कश्मीर आ गए थे और श्रीनगर में 87 साल तक रहे और आखिर वहां वो फौत हो गए, महल्ला यार खान ने उनकी कब्र। ये हमारा दूसरा उनका आपस में डिफरेंस और इख्तलाफ। तीसरा इख्तलाफ वो ये है, हम ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद जो शख्स भी नबूवत का दावा करेगा वो आपकी हदीस शरीफ के मुताबिक दज्जाल कज़्ज़ाब होगा और वो झूठा होगा, लेकिन वो अल्लाह का नबी नहीं हो सकता। जबकि अब जो मौजूदा उम्मत कादियानिया है उसका अकीदा ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी अल्लाह ताला का सच्चा रसूल है। चुनाचे
मिर्जा कादियानी का एक बेटा बशीर अहमद एमए, पता नहीं उसकी डिग्री भी जा ली थी, मेरा ख्याल है जा ली गई हो। उस बशीर अहमद एमए ने लिखा है कि एक शख्स जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाता है, हजरत ईसा पर ईमान नहीं लाता, या हजरत ईसा पर तो ईमान लाता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाता, या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ईमान लाता है लेकिन हजरत मसीह मौऊद यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर ईमान नहीं लाता, तो वो शख्स न सिर्फ ये के काफिर है बल्कि पक्का काफिर और दारा इस्लाम से खारिज। तो ये हमारा उनका तीसरा इख्तलाफ हो गया। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत के दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद समझते हैं और वो लोग उस सिलसिले नबूवत को जारी समझते हैं। और तकरीबन कुरान मजीद में 62 मकामात हैं जिनमें हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने खिताब फरमाया है। तो वो मिर्जा कादियानी कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, और वो कहता है कि ये इस आयत में अल्लाह ने मेरा ही नाम मोहम्मद और रसूल रखा है, इन्ना आतैना कल कौसर कहता है ये आयत मेरे बारे में ना दी है, ऐसे ही दीगर 62 मकामात वो ये कहता है कि ये आयतें सारी की सारी मेरे बारे में ना दी। चुनाचे इनके इन्हीं कुफ्रिया अकायद की वजह से 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने मुतफिका तौर पर इनको गैर मुस्लिम अकलियत करार दे दिया। तो ये तो हमारे इख्तलाफात हो गए। तीसरा चैप्टर अब हमारा इस तकरीर का ये है हिस्सा के कादियानी इस वक्त क्या कर रहे हैं, और चौथा हिस्सा ये होगा कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, इस वक्त ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी कि ये कादियानियत का फितना अंग्रेजी हुकूमत को परवान चढ़ाने के लिए पैदा किया गया, और वो खत्मे नबूवत के इनकार पर वो फितना काम कर रहा है। लिहाजा उलमा का, दानिश्वरों का, जजों का हर एक का फैसला यह है कि इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक और हिस्सा नहीं है। मगर उनका अकीदा यह है कि जो जो शख्स वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बैत में दाखिल नहीं हुआ, उसको अल्लाह का नबी नहीं मानता, वो सारे के सारे काफिर दारा इस्लाम से खारिज है। बल्कि मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब आईना कमालात इस्लाम में बड़ी वजाहत के साथ उन तमाम लोगों को जो उस पर ईमान नहीं लाते, उसकी किताबों को नहीं मानते, उनको कन्नियों की औलाद लिखा है। ठीक है, इसके बावजूद यानी अकायद उनके ये हैं, मगर इस वक्त वो काम क्या कर रहे हैं, उनके बच्चों की जमात है, उसका नाम है अंजुमन अतफालुल अहमदिया, उनकी औरतों की जमात है, उसका नाम है लुजनतु इमाइल्ला, अल्लाह की बांदियों की जमात, तीसरी जमात है अंजुमन खुद्दामुल अहमदिया, यानी मुझ जैसे आप जैसे जवान हैं या बूढ़े हैं उनके लेवल के लोगों की जमात है। इन तीनों जमातों का काम यह है कि आपने अपने लेवल के लोगों में, बच्चों ने बच्चों में, औरतों ने औरतों में, मर्दों ने मर्दों में काम करना है, और हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत के लिए लोगों को कायल करना है, ये काम वो कर रहे हैं। और हमारे शहरों में, देहातों में, आपके कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, आपको इल्म है मेडिकल कॉलेज में वाकया हुआ, कोई जगह खाली नहीं, वो ये तबलीग कर रहे हैं। इसी तरीके से उनके माली रेंग हैं तकरीबन 70-75 हजार ऐसे कादियानी हैं जो कि अपनी आमदनी, अपनी जायदाद, अपनी उम्र का 10वां हिस्सा उन्होंने उस झूठे मजहब की तबलीग के लिए वक्फ किया हो। अगर वो महीने में 1000 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपया उसमें से कादियानी मजहब की तबलीग के लिए देते हैं,
60 साल उम्र है, तो उन्होंने ऐलान किया है कि हम 10 साल आपने मजहब की तबलीग के लिए देंगे। 10 मुरब्बे जमीन है, तो एक मुरब्बा जमीन वो अपने मजहब की तबलीग के लिए वक्फ करे, ये काम वो कर रहे हैं। और दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है, और बकायदा उनकी वसीयत छपती है कि जैसे हम जिंदगी में ये काम कर रहे हैं, हमारे मरने के बाद भी ऐसे ही हमारे माल में से कटौती करके वो कादियानी मिशन के लिए ये पैसा जो है वक्फ किया। इसी पैसे के जरिए से वो लिटरेचर छापते हैं, उनके 3 टीवी चैनल हैं, उनकी 5 वेबसाइटें हैं, उनके जरिए से मुख्तलिफ जुबानों में वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनके बड़ा से बड़ा खलीफा है मिर्ज़ा मसरूर, जो 5वां खलीफा है, वो खुद अपने आमदिया टीवी चैनल पर आता है, मुख्तलिफ लोगों को बिठाता है, इंग्लिश में अगर वो तकरीर करता है तो कुछ तर्जमान तुर्की वाले बैठे हैं, अरबी वाले बैठे हैं, वो बातें सुनकर वो उसकी तर्जमानी करते हैं, मौजूद लोग जो होते हैं उनको गुमराह करते हैं, और जहां जहां तक उस इंटरनेट का या टीवी का असर जाता है, उसकी रोशनी उसकी आवाज जाती है, उनको गुमराह कर रहे हैं। और इसी तरीके से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उनका नेटवर्क है। अभी तो तकरीबन 30 साल गुजर गए, हमारे वालिद साहब ने 1974 1974 यानी आज से 36 साल पहले एक फहरिस्त छापी थी, उसमें घाना सियर योन एक एक मुल्क के 34 मराकज हैं गुमराह कर रहे हैं। वो उनकी तबलीग उनके वजीरों तक पहुंच चुकी, कई वजीर खारजा वजीर तालीम वो चिनाब नगर रबवा के पड़े हुए उन अफ्रीकी मुल्कों में वो कादियानी मजहब की तबलीग कर रहे हैं। अभी मैं सऊदी अरब गया 2-3 महीने पहले, पता चला कि ये जो गरीब मुल्क है अफ्रीका के, वहां कादियान को उनके ईसाइयों के यहाँ जो बच्चे हलाल के या ऐसे वो सैंपल के तौर पर पैदा हो जाते हैं, उनको कादियानी ले जाते हैं, उन्हीं के ईसाइयों के गिरजे लिए हुए किराए पर, और उनके अंदर उनको रखकर उन मासूम बच्चों को कादियानी बना रहे। हर रोज जितने बच्चे पैदा होते हैं वो उनको शोर नहीं आता, क्योंकि वहां की सुरताल बड़ी अजीब और गरीब है, शादी निकाह का तसव्वुर नहीं है, वो एक लव मैरिज भी हम उसको मैरिज नहीं कह सकते, यानी फ्रेंड्स हैं गर्ल्स और बॉयज, वो आपस में ताल्लुकात कायम करते हैं, तजर्बात करते हैं, 2-3 बच्चे हो गए फिर छोड़ दिया। तो वो जो हजारों की तादाद में उनको वो गुमराह कर रहे हैं, कादियानी बना रहे हैं। ये है उनकी स्टोरी या उनकी प्रोग्रेस। अब हमें क्या करना चाहिए या हमारे सलफ सालेहीन ने क्या किया, यानी हमारी जिम्मेदारी क्या है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये देखा, वो मुसैलमा का साहब जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था, तो आपने उसके खिलाफ जंग की। यानी खलीफा वक्त जो है उसकी जिम्मेदारी है कि जो शख्स नबूवत का दावा करेगा हकीकत में वो खत्म नबूवत से बगावत करे, ठीक है, और वो खत्म नबूवत का बागी होगा। लिहाजा नबूवत का जो बागी है, जैसे ये कानून है हम हर दुनिया के मुल्क का, आपके आईन का जो भी बागी होगा खतदार होगा, हुकूमत उसको माफ नहीं करती। अकबर बुगटी अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका क्या गुनाह था, उनको पर कलेम लगा कि जनाब ये गद्दार, उनको उसमें घर के अंदर रख के मार दिया। गाजी अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह उन पर क्या कलेम था, जनाब उन्होंने हमारी हुकूमत के मुकाबले में हुकूमत खड़ी कर दी है, गद्दार है, उनको खत्म किया या नहीं किया। तो ऐसे ही मैंने आपको अर्ज किया कि खत्म नबूवत का अकीदा मुतफक अलैह अकीदा है, जो इसमें रखना अंदाज भी करेगा वो खत्म नबूवत का बागी होगा खद्दार होगा। चुनाचे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जंग की,
और उस जंग में आपने भी 1200 सहाबा किराम को शहीद करवाया और उनके 22,000 मुर्तदों को कत्ल करवाया। मुसैलमा कज़्ज़ाब जो झूठी नबूवत का पैरोकार था, ये नहीं खुद नबूवत का दावेदार था, वो भी कत्ल किया गया। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मत को ये सबक दिया कि ये झूठी नबूवत का फितना इतना खतरनाक है कि उसको पिनपने की इजाजत नहीं दी जा सकती, अपनी जान की कीमत भी लगानी पड़ जाए, जान की बाजी भी लगानी पड़ जाए तो इस फितने को जिंदा रखने की इजाजत नहीं। ये सहाबा किराम ने करके दिखाया। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? मिस आधा रह गया बिल्कुल। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम हुक्म तो असल यही है, लेकिन ये अवाम का काम नहीं है, ये है हुकूमत का काम। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फितनों के खिलाफ जो एक अमल करने का तरीका बताया है, वो जो मैंने दूसरी हदीस की पढ़ी है उसमें आपने फजीलत भी बहुत बड़ी बयान फरमाई है और उसमें हमें जो करने का काम है इस वक्त हमारा वो बताया। फरमाया कि इस उम्मत के आखिरी जमाने में कुछ ऐसे लोग होंगे कि उनको काम करने पर सवाब ऐसे मिलेगा जैसे सहाबा किराम को मिला करता था। काम उनका क्या होगा? फरमाया यामुरून बिल मारूफ व यनहून अनिल मुनकर, अच्छे कामों का हुक्म देते होंगे और बुरे कामों से रोकते होंगे। और आखिरी जो है फरमाया व युकातिलून अहलल फितन, कि फितना पैदा करने वाले लोगों का वो मुकाबला करते हो। उलमा ने हदीस में लिखा है कि फितना परदाद लोग जो हैं, फितना परदाद लोग, उनसे मुकाबला का मतलब यह है कि अपनी जुबान और अपने कलम को उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। यानी उस फितने की जो खतरनाकी है, उस फितने के जो उयूब हैं, खराबियां हैं, उनसे अवाम को आगाह करें ताकि अवाम उनके चंगल में ना फंस जाए। जहां तहरीर की जरूरत हो, उनके अकायद लिखे हुए आते हो तो उनके रद्द में आप लिटरेचर लिखें, आप उसकी सप्लाई करें। तो हदीस शरीफ की रोशनी के मुताबिक अगर ये काम आप कर लेते हैं तो इस फितने का सद्देबाब हो सकता है। लिहाजा इस वक्त हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जैसे सहाबा किराम ने तो अपना तन मन धन कुर्बान किया, जाहिर बात है कि वो मदीना से यमामा 1150 किलोमीटर का जो सफर किया तो आपने वक्त लगाया, आपने जानवर ले गए, पैसा लगाया, खुराक लगाई और आपने जान लगा दी। तो कम अज कम इस वक्त हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमारे पास वक्त है तो हम इस फितने को समझें कि ये है क्या चीज। चूंकि ये एक किताबी फितना है, इल्मी फितना है और तकरीबन 84 किताबें हैं कादियानियों की जिसके अंदर उन्होंने खत्म नबूवत का इनकार किया, हयात ईसा का इनकार किया, अंबिया को गालियां दी, सहाबा किराम को गालियां दी, तो ये पढ़े बगैर तो नहीं आ सकती। हमने अपने लेवल पर उसकी कोशिश की। हमारे वालिद मौलाना मंसूर अहमद जियोटी रहमतुल्लाह अलैह ने 1956 से हमारे यहाँ चिनियोट इदारा मरकज दावत इरशाद में 15 रोजा खत्म नबूवत कोर्स करवाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते से शुरू है, दो असातिज़ा उस्ताद वो करवा रहे हैं, मैंने भी वक्त लगाया क्योंकि असेंबली का मसला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी वो खत्म हो गया आज सेशन, तो आइंदा हफ्ता मैं वो लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हम आपको 70, 40, 45 कितने हालात उलमा रहेंगे कहाँ से और सिंध की तरफ से, इधर सरहद की तरफ से, पेशावर से आए, हम उनको लेक्चर दे रहे हैं, वो मुकल्ले तैयार कर रहे, उनको तैयार करेंगे। जहां तक हमारी जुबान है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे इल्म है तो हम इसको दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंचाए। उस सिलसिले में हमने कोशिश अब शुरू की है, हम मगरबी अफ्रीका जो यानी दुनिया के आखिरी किनारा है उसका मुल्क है खाना, वहां तक जाने का हमने अभी प्रोग्राम बनाया है। पासपोर्ट हमने 4 दोस्तों ने भेज दिए हैं, तो आप और कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हैं कि हम जो खत्म नबूवत कमीशन जो है वो लेकर जा रहे हैं
اللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے, جو ہمارے مسائل ہیں رکاوٹیں ان کو دور فرمائے. اور اسی طریقے سے لٹریچر ہے, یہاں پاکستان کے اندر جتنا زیادہ سے زیادہ آپ لٹریچر چھاپ سکتے ہیں. ابھی میں صبح وہاں ایک سرکاری جگہ میں تھا, تو وہاں ایک بہت ذمہ دار آدمی نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لٹریچر کون کون کے ہیں جن میں قادیانی آخر ہے, بنیادی طور پر ہم کون ہیں, وہ کون ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, وہ جو ہے وہ ہونے چاہیے. جن لوگوں میں یہ استطاعت ہے وہ لٹریچر چھاپ کر انگریزی میں, عربی میں, اردو میں, اب ہم نے افریقہ میں جانا ہے, جن کو طاقت ہے وہ ہمیں ہمارے ساتھ لٹریچر بھیج سکتے ہیں, وہ ان کو بھیجیں, جہاں ڈیمانڈ ہو وہ آپ بھیجیں, اپنے لوگ تیار کریں. تو مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین قرار دیا ہے. میں اور میرے سمیت آپ اس وقت موجودہ 1,40,00,000,000,000 مسلمان ہیں, وہ جنت میں جائیں گے, ضرور جائیں گے انشاءاللہ. اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے, تو وہ کس کا کلمہ پڑھ کے جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ہم سے پہلے جو 1400 سال تک مسلمان مر گئے ہیں وہ بھی سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے کی تو خیر ہی, اس کلمے کے تو خیر ہی وہ جنت میں جائیں گے. لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ جس جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, اس میرے سمیت ہر ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سے وقت ہو سکتا ہے. آپ نوجوان بیٹھے, ابھی ہمارے پاس ایک ہفتہ وقت باقی ہے, آپ جونیئر تشریف لے آئیں, جوان وقت لے آئیں, مالدار پیسہ لگائیں, جو علم والے اپنے علم کو استعمال کریں, اپنی زبان کو استعمال کریں, اور جو لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فتنہ ہے انکار ختم نبوت کا, سچی بات ہے بہت بڑا فتنہ ہے. ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے استاد الاساتذہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے جو دنیا کا مطالعہ کیا ہے, اس وقت تک قادیانی سے بڑھ کر کوئی خطرناک فتنہ وجود نہیں آیا, اور میں اس فتنے کے خلاف کام کرنا ایسا جہاد ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے. جو شخص ختم نبوت کے مشن کے لیے کام کرے گا, میں انور شاہ کشمیری اس کی جنت کا ضامن بنتا ہوں. اور فرمایا کہ ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ جو شخص تحفظ ختم نبوت کے لیے کام نہیں کرے گا, گلی کا کتا بھی اس سے بہتر ہے. اس لیے ہر ہر ساتھی جوان چھوٹا بڑا اپنے اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور جو ہے وہ اس کو ادا کرے. ہو سکتا ہے کہ ہماری بخشش کا یہ ذریعہ بن جائے. وہ 6.5 منٹ میں نے زیادہ لے لیے, اس کا میں معذرت رکھتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. یاسر روڈی صاحب, فتنہ ختم نبوت اس پہ گفتگو کر رہے تھے. میں ایک دفعہ پھر مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کروں گا کہ اپنی گوناگو مصروفیات میں سے انہوں نے ہمیں وقت دیا, اور میں اہل فیصلہ باد ان کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنی مصروفیت میں سے محبت اور شفقت سمائیوں نے ہم پر, اور میں جو ہے وقت بالکل جو ہے عشاء کا قریب ہوتا جا رہا ہے, تو فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن جس نے آپ کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا اس کے بارے میں مختصر جو ہے وہ میں ان کے لیے اس کا تعارف کے لیے میں چیئرمین امیر فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن محمد بن اسد بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور مختصر تعارف اس کا بتائیں. رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اٹھ کے عبد میں جہاں دور کی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. حضرات گرامی, یہ سوال کہ قیامت کب آئے گی, اس سوال سے دلچسپی دو گروہوں کو بڑی شدت کے ساتھ رہی ہے. ایک شیطان اور اس کے چیلے چانٹے, اس لیے کہ شیطان نے قیامت کے دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی ہوئی ہے کہ آدم اور اس کی اولاد کو یہ جہنم نصیب کر کے رہے گا, اور دوسری اس سوال سے دلچسپی انبیاء کے اصحاب کو اور ان کی پیروی کرنے والے,
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल पिछली उम्मतों में अम्बिया के पैरोकार उनसे ये सवाल पूछा करते थे कि कयामत कब आएगी, तो पिछले अम्बिया कयामत की ये कुर्ब कयामत की ये निशानी बताया करते थे कि जब आखिरी नबी आ जाएगा, जब आखिरी दीन आ जाएगा, जब आखिरी किताब आ जाएगी। बड़ी नापायद है वो कुड़न कि अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी दीन, अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी किताब क्या इस दुनिया में रुस्वा और मगलूब होने के लिए आई? ये कुड़न, ये दर्द, ये तकलीफ जिसको लाहक हो जाती है, बकौल अल्लामा इकबाल कि मेरी नवाए गम आलूद है मताए अजीज जहां में आम नहीं दौलत दिले नाशाद। ये कुड़न, ये तकलीफ, ये दर्द इंसान को शेख अहमद सरहंदी मुजद्दद अलिफ सानी बना देती है, जिसको ये तकलीफ लाहक हो जाती है उसको शाह वलीउल्लाह बना देती है, उसको शेखुल हिंद महमूदुल हसन बना देती है, उसको अल्लामा इकबाल बना देती है, उसको मौलाना इलियास बना देती है, अबुल आला मौदूदी बना देती है, डॉक्टर इसरार बना देती है, डॉक्टर जाकिर नाइक बना देती है। यही दर्द और कुड़न आपके इन मेजबान शाहीन नौजवानों में है, एजुकेशन फाउंडेशन के इन नौजवानों को ये दर्द, ये कुड़न लाहक, ये इनका मसला है, ये इनकी प्रॉब्लम है कि रात को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल से टांगे फैला कर नहीं सोते, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का दीन मगलूब है। क्यों मगलूब है? कहां गई वो शान, वो शौकत, वो सरबुलंदी? हज़रात गिरामी, मुझे यहां पर बहुत से नौजवान बैठे हुए नजर आ रहे हैं और मैं इन नौजवानों को बता देना चाहता हूं कि उम्मत का नौजवान कभी भी खोटा सिक्का नहीं रहा। तमाम बुजुर्ग भी नौजवान जी गुजार कर के आए हैं। नौजवानों की तारीफ मैं सुनाऊं आपको, नौजवानों की तारीफ हजरत मुसअब बिन उमैर से शुरू होती है। नौजवानों की तारीफ, वो नौजवान जिसका लिबास शाम से सिलकर आया करता था, जिस रास्ते से गुजर जाता था लोग कहते थे मुसअब गुजर गया है, ऐसा इतर ऐसी खुशबू लगाया करते। सलाहुद्दीन नामी एक नौजवान को किसी ने पूछा, सलाहुद्दीन हम हंसते क्यों नहीं? उस नौजवान ने कहा कि मैंने एक यहूदी को मुसलमान लड़की की बेहुरमती करते हुए देखा था, उसके बाद से मेरे लबों पर मुस्कुराहट छलकते ही नहीं कोशिश के बावजूद। तो सलाहुद्दीन अयूबी। नौजवानों की तारीख मैं सुनाऊं आपको, वो 21 साल नौजवान जो गाजी भी कहलाया और शहीद भी, गाजी इलमदीन शहीद, एक कुड़न है, एक दर्द है, एक लगन है, एक जज्बा। अजीज सामईन, ये कुड़न है, ये दर्द, ये जज्बा, ये लगन मुंतकिल करना है आप हमारे दस्तोबाजू बनिए फेथ एजुकेशन फाउंडेशन के। मेरी बरमला आपको दावत, क्या इत्तेहाद उम्मत, इह्याए इस्लाम, तजदीद ईमान का मिशन मेरा अकेले का या मेरे साथियों का? ये हम सब की इज्तमाई लगन है, ये आपका मसला है, ये हम सब की इज्तमाई पड़न है। हमें जरूरत है आपके तआवुन की, आपकी अखलाकी हमायत, आपके माली तआवुन की, आपके वक्त की, आपकी मुशावरत की, आपकी सलाहियतों की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हमारे प्रोग्राम सारा साल लॉन्च होते रहते हैं। यहाँ साइंस कॉलेज से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ये तौफीक और फजल है कि साइंस कॉलेज से लेकर ज़रई यूनिवर्सिटी तक मुख्तलिफ तालीमी इदारों में हमारा वर्क है। कुरान क्लासेस हैं, फहमुल कुरान कोर्सेज हैं, अरबी क्लासेस हैं, तजवीद व फहमुल कुरान कोर्सेज हैं, मैट्रिक और एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए फ्री क्लासेस जिनमें उनको कोर्स वर्क के साथ साथ कुरान फहमी, कुरान के मजीद के दुरूज के साथ उनका कुरान मजीद के साथ ताल्लुक वाबस्ता किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंट हैं फेथ एजुकेशन फाउंडेशन जो सारा साल लॉन्च करती रहती है। मैं फेथ एजुकेशन फाउंडेशन का मिशन एक दफा फिर आप 3 हरूफ में आपके सामने रखता हूं, तजदीद ईमान, दिलों में ईमान को रास्ते पर, इत्तेहाद उम्मत, तमाम ग्रोहों,
तमाम जमातों तमाम धड़ों का इश्तेहार इत्तेहाद हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए कुछ करने के लिए सब इकट्ठे हो जाए। और आखिरी मिशन आखिरी मकसद अहयाए इस्लाम, हर लेवल पर इस्लाम को गालिब किया, हर जगह पर इस्लाम को गालिब किया जाए। क्या आप फेथ एजुकेशन फाउंडेशन के इन तीन हर्फी मकासिद से मुत्तफिक हैं? तजदीद ईमान, इत्तेहाद उम्मत, अहया इस्लाम। मेरा ख्याल है कि इस मजमा में बैठा हुआ कोई शख्स भी इख्तलाफ नहीं करेगा। ये हम सबके मकासिद, ये हम सबकी लगन है, ये हम सबकी तड़प है। तो आइए फेथ एजुकेशन फाउंडेशन का साथ दीजिए। इस उम्मीद के साथ इख्तिताम करता हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मजमा में से कसीर तादाद फेथ एजुकेशन फाउंडेशन का साथ देने के लिए दिली तौर पर इरादा करके उठे। अल्लाह तबारक व तआला आपको हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। मैं बुजुर्गान का और आपका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा आपके इस्तेमाली का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا وفق لنا أن نظهر دين الإسلام وهداية الدين على النظام كله صلى الله تعالى على رسوله خير خلق محمد وعلى آله وصحبه. सामीन से मेरी एक मिनट गुजारिश करें, इमरान तलब भाई आराम के साथ रुक जाएं। सबसे पहले आराम से पिछले लोगों को बाहर निकलने दें ताकि कोई तकलीफ ना हो। आराम से बैठने के लिए आराम से तरतीब के साथ निकले, बड़ा गेट खोल दें। पिछले साथी तरतीब के साथ आराम के साथ जाइएगा ताकि कोई तकलीफ जो है। तो मगरिब के बाद खवातीन को भी साथ लेके आए करें, खवातीन की तरबियत बहुत जरूरी है। जो हजरात शहर के करीब आ रहे हैं उनसे दरखास्त है कि उनको जगह दें ताकि ये सिक्योरिटी वाले हजरात जरा करीब आए। हजरत के सिक्योरिटी वाले अहबाब हजरत के साथ आए। मोहसिन भाई करीब आए जरा जल्दी। आपकी आमद का एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह।